इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्शन मूवीज़ को कवर करने आए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत समय से एक्शन मूवीज़ की डिमांड कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी मूवीज़ इंक्लूड किया है जो कि हो सकता है आपने इससे पहले ना देखी हो, क्योंकि ये मूवीज़ अंडररेटेड मूवीज़ है, ज़्यादातर लोगों ने इन मूवीज़ को देखा नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं इन मूवीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ, और इसमें से बहुत सी मूवीज़ तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या करें कमाल की मूवीज़ कौन सी हैं। जिस लिस्ट की सबसे पहली मूवी है कोल्ड परस्यूट। ये मूवी 2019 में आई थी, और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि स्नो हटाने का काम करता है और बहुत रिस्पेक्टिव पर्सन है। बट एक दिन इसके बेटे की डेथ हो जाती है, और जो रीजन बताया जाता है वो बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इसकी बेटे की डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है, जबकि इनको पता है कि इनका बेटा बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लेता था, ड्रग्स से वो बहुत दूर रहता था। सो ऐसे में इनके लड़के की मौत ड्रग ओवरडोज से कैसे हो सकती, इसी का पता लगाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इनको पता लगता है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़े लोगों का हाथ है। तो अब ये कैसे उन बहुत बड़े लोगों से बदला लेते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 6.2 out of 10 IMDb पर। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है हिप्नोटिक, जो कि एक एक्शन मिस्ट्री मूवी है, और 2023 में ही आई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसकी बेटी अचानक से लापता हो जाती है। अब ये जैसे जैसे उसको पता लगाता है, इसको पता लगता है गवर्नमेंट के एक बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब वो सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या है और कैसे ये उससे कनेक्टेड है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स 5.5 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है रेट्रीब्यूशन। ये मूवी भी 2023 में आई है, और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि अपने बच्चों के साथ कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है। इतने इसको एक कॉल आता है, और कॉल पर बोला जाता है कि तुम्हारी कार के अंदर बॉम्ब है, और अगर तुमने कार से बाहर निकलने की कोशिश किया, कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो मैं इस कार को उड़ा दूंगा और तुम सब लोग मर जाओगे एक सेकंड के अंदर। जिसके ऊपर इसको विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि इसको कार के अंदर बॉम्ब देखने को मिलता है। इससे कहा जाता है एक आदमी को गोली मारने के लिए मना कर देता, और इतने में उस बंदे की कार उड़ जाती है, और तब इनको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल सीरियस गेम हो रहा है, अगर इन्होंने कोई भी गलती की तो इनको जान से मार दिया जाएगा। अब ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये अपनी जान कैसे बचाएगा या उसी के इशारों पर नाचता रहेगा, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग 5.3 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है आई सॉ द डेविल। ये मूवी ईयर 2010 में आई थी, और ये मूवी आपको बदले का असली अर्थ बताएगी, और ये मूवी डेफिनेशन ही बदल देगी कि बदले की डेफिनेशन क्या होती है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई गई है एक आदमी की, जिसकी वाइफ का एक सीरियल किलर बहुत बुरी तरह मर्डर करता है, यहाँ तक कि उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद अब ये उस बंदे से बदला लेने वाला। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बंदा क्या करता, वो जाता उस बंदे को जान से मार देता ढूंढ के, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहता। और ऐसे में उसको वो सीन याद आता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का है, इन्फिनिटी वॉर का, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एवेन्यू से बोलता है कि तुम मुझे मार दोगे तो एवेन्यू बोलता है कि मौत तो किस्मत वालों को मिलती है। और वही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ये सीरियल किलर को यूं ही नहीं मारना चाहता, ये उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहता है, और इसकी ब्रूटवैलिटी देख के आप भी चौंक जाएंगे। और ये मूवी बहुत ब्रूटवल है, और जिस तरीके से उसको तड़पाता है वो आप में से बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग 7.8 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है नाइट हंटर, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो यानी कि हमारे सुपरमैन हेनरी कैविल की, जिनको एक टास्क दिया जाता है, क्योंकि इनको एक सीरियल किलर को पकड़ना है, जो कि आए दिन बहुत से लोगों को मार रहा है, बहुत से रेप्स कर रहा है, और इनको पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो बंदा कहीं मिल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश करी लेकिन उसका पता नहीं लग रहा। तो अभी किस तरीके से उसका पता लगाते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग 5.9 out of 10 IMDb पर। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है बॉर्न टू फ्लाई। ये एक चाइनीज एक्शन मूवी है, जो कि 2023 में आई है, और इस मूवी के अंदर आपको टॉप गन जैसी ही चीजें देखने को मिलेगी, मतलब कि आप इसको टॉप गन का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको बड़े बड़े प्लेन्स देखने को मिलेंगे, और फाइटर जेट के अंदर बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको टॉप गन जैसी मूवियां पसंद है तो आप इस मूवी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स 6.0 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है डेन ऑफ थीव्स। ये मूवी 2018 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है चोरों के एक ग्रुप की, जिन लोगों ने बहुत सी चोरियां की हैं और सक्सेसफुल चोरियां की हैं, लेकिन इस बार इनका प्लान है एक बहुत बड़ी चोरी करने का। ये लोग फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर चोरी करने वाले हैं, जिस बैंक के अंदर हर समय $508 billion रहते हैं। अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो पाकिस्तान की GDP से भी बड़ा। पाकिस्तान की टोटल GDP आई थिंक 300-350 billion या 400 से नीचे ही है, और बैंक के अंदर $500 billion हर समय रहते हैं, और ये लोग उस पैसे को उड़ाने वाले हैं। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। लेकिन इनके पीछे पुलिस वाले भी पड़े हुए हैं। वैसे में ये लोग किस तरह इस इम्पॉसिबल चोरी को अंजाम देते हैं, क्योंकि 50 बार और
बार कोशिश की गई फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर चोरी करने की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी का रेटिंग 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द लेजेंड ऑफ टॉम हैंक्स। ये मूवी 2019 में आई थी। ये एक एक्शन हिस्ट्री मूवी है। जो मूवी असली घटना से प्रेरित है, एक्चुअल चीजें नहीं दिखाई गई, खाली इंस्पायर्ड है। इसके अंदर हमें टॉम हैंक्स नाम की क्वीन की कहानी देखने को मिलेगी, जिन्होंने अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह संभाला था, जबकि उनके करीबी लोगों की मौत हो गई थी, हर कोई उनको छोड़ के चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो डटी रही और उन्होंने अपने राज्य को संभाला, पर्शियन एम्पायर के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया। वही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक डिसेंट सी हिस्ट्री एक्शन मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। लास्ट मूवी है गन पाउडर मिल्कशेक। जो मूवी 2021 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक फीमेल असैसिन होती है, लोगों को मारती है पैसे लेके, और इसको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन इसी बीच इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जो कि 8 साल की लड़की होती है, और उसको कुछ लोग मारने वाले होते हैं। ये सभी लोगों को मार देती है सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसके दुश्मन हो गए, क्योंकि इसने गलत लोगों को मारा और गलत लड़की को बचाया। वैसे में क्या कुछ होता और कैसे उन सब लोगों से निपटती है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।